तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि पार्टिकल स्टार्ट एस एच एम फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन एंड मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। ठीक है, तो पहले वो सिचुएशन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। वो सिचुएशन क्या है? तो देखो वो सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे ये हो गया मीन पोजिशन, तो एम पी यानी ये हो गया मीन पोजिशन, और ये हो गया एक्सट्रीम पोजिशन, यानी ये हो गया आपका एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, और ये दूसरा एक्सट्रीम पोजिशन ये हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि पार्टिकल जो है यानी उसके इनिशियल कंडीशन दिए है, पार्टिकल का इनिशियल कंडीशन दिया है कि वो पार्टिकल जो है एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है वहां से वो मीन पोजिशन से वो एस एच एम शुरू कर रहा है, और ये भी दिया है कि वो किधर जा रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम, क्योंकि उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम में जा रहा होगा या तो नेगेटिव एक्सट्रीम में जा रहा होगा। तो लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि वो किधर जा रहा है, वो पॉजिटिव एक्सट्रीम में जा रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव एक्सट्रीम यानी पार्टिकल इस तरह जा रहा है। तो ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यानी इस क्वेश्चन में कंडीशन ये दिया है कि t इक्वल टू जीरो पे एक तो x इक्वल टू जीरो है, ये दिया है। ठीक है, कंडीशंस पहले कंडीशंस हमें निकालने होंगे, तो कंडीशंस के बेसिस पे ही हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो एक तो हमें दिया है कि t इक्वल टू जीरो पे क्या है x इक्वल टू जीरो, और एक चीज मेंशन किया है कि t इक्वल टू जीरो पे उसका वेलोसिटी इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अगर पार्टिकल इस साइड जा रहा है, इस साइड यानी यहां से यहां तक अगर जाए, तो इस दौरान उसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अगर वो पार्टिकल जो है इज मूविंग टुवर्ड्स यू नो द राइट साइड, राइट, चाहे वो इधर हो नेगेटिव में हो पॉजिटिव हो, लेकिन इफ इट इज मूविंग टुवर्ड्स द यू नो राइट एक्सट्रीम, देन दैट वेलोसिटी इज ग्रेटर देन जीरो। और अगर पार्टिकल यहां से यहां तक जाए, राइट, इफ इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम, देन ये थ्रू आउट वेलोसिटी क्या होगा, लेस देन जीरो। तो हमारे पास दो कंडीशन है, देखो तो दो कंडीशन ये है कि एट टी इक्वल टू जीरो, एक तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, और एट टी इक्वल टू जीरो पे वी इज ग्रेटर देन जीरो, ये दो कंडीशन है, इन दो को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो हमारे पास ये दो कंडीशन है और दो इक्वेशन है। दो इक्वेशन क्या है, एक x का इक्वेशन है, x का इक्वेशन क्या है, a sin ओमेगा t प्लस फाइव, और दूसरा हमारे पास v का इक्वेशन है। तो v का इक्वेशन हमें याद है, है a ओमेगा cos, लेकिन एक इसका डेरिवेटिव सही है, तो a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। जब हम लोग इसमें ये कंडीशन पुट करेंगे कि x इज जीरो, राइट, एट टी इक्वल टू जीरो, तो हमने ये जो कंडीशन है एक्स जीरो और टी जीरो, जब हम ये इसमें पुट करेंगे तो हमें फाइव के वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो ये इधर डिवाइड होगा, तो ये जीरो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा साइन फाइव। अब हम लोग जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मतलब हम लोग बेसिकली माइनस टू पाई से टू पाई तक हम लोग जो है एंगल, या जीरो से टू पाई एक टाइम पीरियड, क्योंकि साइन जो है उसका एक टाइम पीरियड क्या है, जीरो से टू पाई, समझे आपको, वन पीरियड जो है साइन का वो क्या है, जीरो से टू पाई। जीरो से टू पाई में साइन थीटा के सारे वैल्यूज उसमें कवर हो जाते हैं, जैसे साइन का जो ग्राफ है तो हमें पता है कि साइन का ग्राफ कैसा है, इस तरह का, राइट, इन्फिनिटी तक जाता है ये, पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड, इन्फिनिटी तक ये क्या होता है, ये इट कैन बी एक्सटेंडेड, करेक्ट। तो यहाँ पे ये जो है जीरो, ये है पाई, और ये क्या है टू पाई, अगर ये रेडियन है, और ये वैल्यूज क्या होता है इसका, प्लस वन और माइनस वन, ये ग्राफ इसका है साइन का। तो साइन का जो रेंज है यानी साइन थीटा बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, यानी उसका मिनिमम वैल्यू माइनस वन, मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन, और थीटा थीटा कैन लाइव फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, लेकिन उसका जो पीरियड है यहाँ पे, राइट, वो पीरियड कितना है उसका, वो है टू पाई, क्योंकि टू पाई के बाद फिर से वही रिपीट होगा, राइट, पीरियोडिक है वो, तो वो पीरियड कितना है उसका, टू पाई। तो हम जीरो से टू पाई में वैल्यूज निकालेंगे क्या है, और वो भी क्लोज, अगर जीरो पे क्लोज तो टू पाई पे ओपन। ठीक है, ये हो गया पूरा एक पीरियड। तो क्या आएगा यहाँ से आंसर, तो साइन फाई जीरो का वो, एक तो जीरो पे जीरो है कि नहीं, और एक पाई पे जीरो है, जीरो पे जीरो और पाई पे जीरो। तो यानी अगर मैं दोनों साइड यहां से सॉल्व करूं तो फाइव का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास जीरो और फाइव, यानी यहां पे आंसर क्या आएगा, दो ऑप्शन आएंगे, साइन जीरो आएगा और दूसरा क्या आएगा, साइन पाई इज इक्वल टू साइन फाइव, करेक्ट। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहां से फाइव के दो वैल्यू मिलेंगे जीरो और फाइव।
यानी जीरो और पाई पे ये एक्स क्या होने वाला है जीरो। लेकिन आप देखो यहाँ पे फाई के दो ऑप्शन आ गए जीरो और पाई, लेकिन हमें डालना है सिर्फ एक ऑप्शन, तो हमें यहां से वो फाई सेलेक्ट करके वापस उसको एक्स के इक्वेशन पे डालना है, तब हमें एक्स का जनरल इक्वेशन मिल जाएगा। यानी ओवरऑल स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है कि ये कंडीशंस यूज करके इसमें डालकर फाई निकालो और उसी फाई को वापस इसमें डाल दो तो तुम्हें एक्स का इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आया आपको? तो हमने इस कंडीशन को इसमें डाला, सॉल्व किया, हमें फाई के दो ऑप्शन मिले, लेकिन हम दो ऑप्शन नहीं डाल सकते, हमें एक ही ऑप्शन डालना है, तो अब हम दूसरे कंडीशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो वो यूज करेंगे। तो यहाँ आ जाओ, तो पहला हम लोग यहाँ यूज करेंगे क्या कि t इक्वल टू जीरो पे हम चेक करेंगे, राइट। तो पहले t इक्वल टू जीरो और फाई इक्वल टू जीरो पे लेट अस चेक क्या होता है। ठीक है, अगर ये दोनों पे v ग्रेटर देन जीरो आ गया तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, v लेस देन जीरो आया तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। तो ये जो फाई है इस दो में से एक इसको सेटिस्फाई करेगा, v ग्रेटर देन जीरो को सेटिस्फाई करेगा, जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोगों को? तो पहले हम ये डालते हैं t इक्वल टू जीरो और फाई इक्वल टू जीरो और देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि क्या होता है। तो v, v तो हमें देखना है, चेक करना है, v को हमें क्या करना है चेक। तो v इज इक्वल टू a हुआ ओमेगा हुआ, t की जगह क्या डाला हमने जीरो और फाई की जगह जीरो, तो ये आ गया cos जीरो, तो ये आ गया a ओमेगा cos जीरो। अब cos जीरो वन होता है, यानी ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या आ गया ग्रेटर देन जीरो, यानी v क्या आ गया ग्रेटर देन, इसका मतलब ये आंसर है। लेकिन हम लोग एक बार t इक्वल टू पाई पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो अगर मैं t इक्वल टू जीरो और पाई इक्वल टू पाई डालता तो v को मैं चेक करता, v आता a ओमेगा cos ओमेगा इनटू t, ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यानी सॉरी cos और अंदर होगा जीरो और पाई की जगह होगा पाई, तो ये होगा a ओमेगा cos पाई, a ओमेगा cos पाई, लेकिन cos पाई होता है माइनस वन, तो ये चीज आगे लेस देन जीरो। इसका मतलब ये दो जो ऑप्शन आए थे उसमें जो ये पाई इक्वल टू जीरो है वो सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, यानी ये पाई इक्वल टू जीरो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब पाई का वैल्यू हम क्या सेलेक्ट करेंगे जीरो और उसको उठा के वापस इसमें डालेंगे, यानी ये मेन इक्वेशन है, तब हमें SHF के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसमें डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई की जगह जीरो, तो एक्स आ गया ए साइन ओमेगा टी, तो ये आ गया एसएचएफ का इक्वेशन। यानी जो पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है और पॉजिटिव एक्सट्रीम में जा रहा है उसके लिए ये है एसएचएफ का इक्वेशन। मतलब ओवरऑल आप सोचो तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, इस दोनों इक्वेशन में सिर्फ यही डिफरेंस है कि हमने इसमें फाइव का वैल्यू निकाल दिया। देखो ओवरऑल इसका गोल क्या है इस क्वेश्चन का, कि हमें सिर्फ फाइव का एप्रोप्रिएट वैल्यू फाइंड करना है। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, और उसके लिए हमें यही दो स्टेप्स करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप कंडीशंस लिख दो, स्टेप नंबर वन यू राइट डाउन दी कंडीशंस, एंड स्टेप नंबर टू यू राइट डाउन एक्स का इक्वेशन, एंड स्टेप नंबर थ्री इफ रिक्वायर्ड यू राइट डाउन दी बी का इक्वेशन। यू सॉल्व दिस इक्वेशन गेट ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज विद इन अ पीरियड, गेट ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फाइव विद इन अ पीरियड, एंड देन यू चेक फॉर द सेकंड कंडीशंस ऑन दीस फाइव्स, राइट। तो फर्स्ट वी पहले हमने किस पे चेक किया, फाइव इक्वल टू जीरो पे चेक किया, अभी टाइम तो फिक्स है टी इक्वल टू जीरो पे उसका भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो चेक कर रहे हैं टी इक्वल टू जीरो फाइव इक्वल टू जीरो वी क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये सही वैल्यू है फाइव का, यही हमें वापस डाल के इसमें से एक्स निकालना है। समझ में आपको क्लियर है? और जब हमने पाई इक्वल टू पाई पे चेक किया तो पाई पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए उसको वापस सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, तो ये आंसर है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है।